morning and welcome to Hindu Business Line's Polscape coverage. It's election day and voters across the city are heading to make their voices heard. We are bringing you live updates and on-the-ground report as citizens exercise their democratic right to vote. We're stationed at polling booths to capture the excitement and hear from the voters themselves. Let us take a look. Experience was very good and staff was very cooperative and very efficient staff. और वो अपनी काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिजेस और सिटी डेवलपमेंट में, और बहुत ही अच्छा काम किया है। और बुरा काम में ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन आगे वाले 5 साल में और भी अच्छा काम करेंगे ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। सेक्टर पे स्मॉल स्केल जो बिजनेस है उनके लिए वो लोन और इजी बनाना चाहिए और उनके लिए टैक्स के लिए कुछ बेनिफिट करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आई एम फ्रॉम स्मॉल स्केल बिजनेस। ट्रेन के अंदर जो उन्होंने सीनियर सिटीजन का जो ट्रेन का डिस्काउंट था वो कोविड के बाद अभी तक चालू नहीं किया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी ही वो स्टार्ट करेंगे सीनियर सिटीजन डिस्काउंट। और बॉम्बे में जैसे लेडीज़ के लिए बस जो गवर्नमेंट बसेज है या कॉरपोरेशन की बसेज है उसमें लेडीज़ को भी उनको फ्री में करना चाहिए ऐसा हमारा सोच है। अभी ये साल जो सरकार थी इतना कुछ खास मुझे नहीं दिखा, क्योंकि बहुत सी परेशानी आई, बहुत सी तकलीफ आई, और इसके अंदर जो इनके जो काम करने के जो तरीके थे ये आम पब्लिक को मेरे हिसाब से पसंद नहीं आएगी। और जो भी सरकार अभी आने वाली है, जो भी सरकार अगर आए तो वो जो पब्लिक की डिमांड है जो भी है तो वो उनकी पूरी करे, बाकी वो उनका नहीं देखे, पब्लिक का देखे। ये रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, जो भी उनको तकलीफ है उनकी तकलीफें पूरी करें। हर देश में जो झगड़े हो रहे हैं तो उस पर भी अपनी इंडिया को आवाज़ उठाना चाहिए, तो वो हिसाब से यहाँ की भी जो पब्लिक है आमा में तो वो भी चाहती है कि बाहर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पेट्रोल महंगे, सब महंगाई हो रही है, तो थोड़ा इंडिया की तरफ भी जो वादे पहले किए थे पेट्रोल कम हो जाएंगे, पहले 2011 से पेट्रोल सब 57 के अंदर थे और अभी ये 2014 के बाद देखो सब 100 के पारी सब पेट्रोल है, डीजल है, सब है। अब आम आदमी कहाँ से खर्चा करेगा, उनका घर का भाड़ा ही नहीं निकल रहा है, गाड़ी का खर्चा नहीं निकल रहा है, जो भी उनकी फैमिली का जो भी राशन पानी वो नहीं हो रहा है, सब आदमी परेशानी है इधर। अच्छा है, अभी बहुत कुछ काम हो रहा है मोदी साहब का वजह से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इससे अपना बॉर्डर का सुरक्षा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, आम आदमी को सर्विस मिलना चाहिए, थोड़ा महंगाई जास्ती है वो कम होना चाहिए, 100% काम करना जरूरत है, करेंगे गवर्नमेंट, ऐसा लगता है मुझे मोदी साहब का गवर्नमेंट और 5 साल वो बहुत कुछ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। डू यू थिंक द प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इज गोइंग स्मूथ? वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी स्मूथ। एक्सपेक्टेशन, गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। They are very highly motivated ladies in India, yes. And there is no need, just give them motivation, they will go to the highest stage. अच्छा रहा मैडम, बिल्कुल अच्छा। क्या इस बार का टर्नआउट जो लोग आए हैं वो पिछली बार से ज़्यादा है, कम है? बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है। उम्मीद तो हर किसी की यही उम्मीद रहती है कि अच्छा डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले, यही उम्मीद रखते हैं। पहले तो लोगों को जॉब के लिए ध्यान देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिलहाल उस पर बहुत थोड़ा तो कमती करना मांगता है उनको। हाँ, यानी एकदम जल्दी हो गया और बहुत जल्दी हो गया और बहुत इजी लगा मुझे, ज़्यादा लाइन, ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर मुझे वोटिंग देने में अच्छा लगा। नहीं, हम यही चाहते हैं कि और विकास करे सरकार और अच्छे से अच्छा रोज़गार दे सबको। हाँ, मेरा ये कहना है कि हर गरीबों का साथ दे, पढ़ लिख कर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको बेरोजगारी यानी काम नहीं मिल रहा है। टर्म में तो फिलहाल अभी तक तो अच्छा किया हुआ है, और बेटर करें इंडिया के लिए। अभी तो ऐसा कोई इश्यू ज़्यादातर बचा नहीं है, क्योंकि उनको जो भी टाइम दिया था वो टाइम में उन्होंने ज़्यादा किया हुआ है, जो पहले की सरकार थी उससे ये बेटर है, और आई थिंक और उन्होंने टाइम देंगे और बेटर करेंगे। It is clear that people are passionate about their concerns and hopeful for positive change. As the day progresses, we will continue to bring you the latest updates and insights from polling stations across the city.
Stay with us for comprehensive election day coverage. I'm Arusha Mishra and you're watching the Hindu Business Line's Polscape coverage. Please like and share.